नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, लोकसभा चुनाव जो है, देश भर के अलग अलग राज्यों में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है इस चुनाव को लेकर के। और लगातार रफ्तार मीडिया आपको विभिन्न राज्यों से क्या कुछ स्थिति है मतदान को लेकर, सीटों को लेकर, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में भी 4 सीटों पर 3 चरण के मतदान हो रहे हैं। और इनमें से हमने विभिन्न अलग अलग सीटों की आपको जानकारी दी। लेकिन अब हम चलेंगे गिरिडीह की ओर, चूंकि गिरिडीह जो है उस पर भी मतदान हो रहा है। और झारखंड के कई लोगों की नजर गिरिडीह सीट पर है, चूंकि त्रिकोण यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहां पर इस वक्त मतदान की क्या कुछ स्थिति है, लोगों के बीच में क्या कुछ लहर है, इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे रफ्तार मीडिया के ब्यूरो हेड अरविंद कुमार से। और अधिक जानकारी देंगे वो हमें। तो अरविंद जी बताइए, फिलहाल जो है अगर गिरिडीह सिर्फ सीट की बात की जाए तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय तो दिख ही रहा है, लेकिन लोगों के बीच में क्या कुछ लहर है, मतदाता किस तरीके से देख रहे हैं इसे? मतदान हो रहा है रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह। तो हम भी अपना वोट कर चुके हैं और मतदाताओं से रफ्तार मीडिया के जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनसे अपील करते हैं कि अगर आप इन चारों लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो आप अपने घरों से निकले और मतदान करें। ये अपील है रफ्तार मीडिया की तमाम मतदाताओं से, जो धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह के मतदाताओं से, कि आप निकले, क्योंकि 5 बजे तक इस बार मतदान है। तो आप जाएं अपने मतदान केंद्रों पर, मतदान करें। अब रह गई बात गिरिडीह की, तो गिरिडीह में सुबह से ही गर्मी को देखते हुए 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मतदाता पूरे गर्मजोशी के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। कहीं कहीं पर बूथों में अव्यवस्था की स्थिति भी देखी गई। कुछ बूथों पर, कुछ मतदान केंद्रों पर ऐसे मतदान केंद्र थे जहां मात्र 4 फीट का दरवाजा था, जिससे प्रवेश करने का, बाहर निकलने का साधन था, जिससे मतदाता को परेशानी हुई। फिर भी पूरे उत्साह के साथ मतदाता इस कार्य में लगे रहे। कुछ मतदान केंद्रों पर वीवीपैट या ईवीएम में खराबी के कारण एक आध घंटा विलंब हुआ, लेकिन फिर कहीं पर जो टेक्नीशियन है वो या तो वीवीपैट और ईवीएम को ठीक करके मतदान शुरू करवाए, या पर कहीं पर रिप्लेस किया गया। तो कहा जा सकता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा पड़ता है, चाहे गिरिडीह हो, डुमरी हो, गोमिया हो या तुंडी हो, इन तमाम जगहों पर, बागमारा हो, यहाँ पर सुबह से ही उत्साह लोगों का देखा जा रहा है। और कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी के बावजूद मतदाता पूरे उत्साह के साथ चुनाव के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। जी कृति, बिल्कुल। और जहां तक जानकारी आ रही है कि मत प्रतिशत में भी उछाल आ रहे हैं, लगातार जो है मतदाता पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अरविंद, तो क्या लगता है कि मतदाता जागरूक हुए हैं इस बार? निश्चित तौर पर प्रशासन ने जिस तरह से, चुनाव आयोग प्रशासन ने जिस तरह से कैंपेनिंग कर चलाया था मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उसका असर दिख रहा है। कई संस्थानों ने, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो, मारवाड़ी युवा मंच हो या अन्य जो संस्थाएं हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया था, उसका असर निश्चित तौर पर मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग और दिव्यांग भी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गिरिडीह में जो स्थिति पहले थी, शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की कमी देखी जाती थी, मतदान प्रतिशत कम होता था, लेकिन इस बार उम्मीद से बेहतर दिख रही है जो अभी मतदान केंद्रों पर। हालांकि कई मतदान केंद्रों पर इक्के दुके मतदाता ही दिख रहे थे भीषण गर्मी के कारण, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसकी हिस्सेदारी हर मतदाता करना चाहते हैं और वोटिंग परसेंटेज हमें लगता है कि इस पर बेहतर होगा। यहाँ पर अभी तक 11 बजे का जो प्रशासनिक आंकड़ा है उसमें 31.11% मतदान हो चुके थे, लेकिन अभी तक जो 1 बजे का आंकड़ा अभी तक आया नहीं, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है। जी अरविंद, तो देख सकते हैं गिरिडीह की जानकारी लगातार अभी अरविंद हमारे साथ, जो कि ब्यूरो हेड है रफ्तार मीडिया के, वो हमें जानकारी दे रहे हैं। और फिलहाल गिरिडीह में मुकाबला जो त्रिकोणीय आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और भी चीजें जानेंगे, जिस तरीके से आपने मतदान को लेकर, मतदान प्रतिशत पर बात की अरविंद, लेकिन फिलहाल जो है त्रिकोणीय मुकाबला है लगातार देखा जा रहा है, तो क्या मतदाताओं के बीच में किसी प्रकार की असमंजस है कि किसे वोट देंगे, या वहां जाकर क्या कुछ लहर चल रही है मतदाताओं के बीच में?
देखिए कृति, मतदाता मूड बना चुके हैं पहले से ही और उसी मूड के साथ मतदान केंद्रों पे जा रहे हैं। हालांकि कई जगह पर जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि है वे उसे अपने तरफ गोलबंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मतदाता भी अब बहुत जागरूक हो चुके हैं और वे सबको यस 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 करके अपने मन की बात करते हैं, किसी को दुखित नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर तो चुपे छाप अपना जो मन में है वही छाप मार के चले आ रहे हैं। तो मतदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं और वह किसी के बहकावे में आके या कहे कि कोई दिग्भ्रमित कर दे वो अब दिखता नहीं है, क्योंकि मतदाता परिवार के संग पहले से ही चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना है, उनका क्रमांक संख्या क्या है, कैसे आपको मतदान करना है, ये तमाम प्रशिक्षण घर पर ही दे दिया जाता है। तो मतदाता पूरी मूड बना के मतदान केंद्र पे जाते हैं। जो उत्साह की बात की जाए, गिरिडीह में इस बार पहले तो जो आमने सामने का मुकाबला होता था एनडीए और यूपीए में जो आज इंडी गठबंधन है, लेकिन इस बार निर्दलीय जयराम महतो ने गिरिडीह की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ पर अभी त्रिकुटा मुकाबले में जो वर्तमान सांसद है आईसू के चंद्रप्रकाश चौधरी में फंसे हुए हैं और जो लहर है शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लोग मोदी के नाम पर काफी संख्या में मतदान केंद्रों के बढ़ रहे हैं, वो प्रत्याशी को नहीं देख रहे, वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। उसी तरह से जो कैडर वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ग्रामीण इलाकों में उनका भी वर्चस्व देखा जा रहा है। जयराम महतो के जो युवा ब्रिगेड है वे भी मुस्तैद दिख रहे हैं, तो कहना मुश्किल है, लेकिन मतदाता काफी संख्या में जा रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि मतदाता इस भीषण गर्मी में भी मतदान केंद्रों से रुख कर रहे हैं। अब जीत हार का सेहरा किसके स्तर पर होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कहा जा सकता है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला में सभी प्रत्याशी फंसे हुए। हालांकि कई अन्य प्रत्याशी है, चाहे तो डॉक्टर उषा सिंह हो या अन्य प्रत्याशी हो, वे भी जोर लगाए हुए हैं इसमें लड़ाई में बने रहने के लिए। लेकिन जो मुख्य मुकाबला अभी तक सुबह से 1 बजे तक जो दिखाई दिया है कृति, वो इन्हीं तीनों के बीच टीपी सिंह, मथुरा महतो और जयराम महतो के बीच दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अरविंद, सही बात कही आपने। और चूंकि मतदाता जो है वो अपना मूड बना चुके हैं और इसी मन को लेकर के मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड की 4 सीटें तो है ही, देश भर के तमाम सीटों की जानकारी मतदान से संबंधित हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरिडीह की बात आपने सुनी कि फिलहाल जो है 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला काटने की टक्कर देखने को मिल रही है, और ऐसे ही तमाम चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।